हेलो दोस्तों, मैं हूं पायल गुड़िया। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना दोनों इंडस्ट्री के फेमस कपल में से एक हैं। अक्षय और ट्विंकल दोनों ही सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव रहते हैं और अपनी बात खुलकर लिखते और बोलते रहते हैं। ऐसे में ट्विंकल अक्षय कुमार के एक ट्वीट से खफा नजर आई। इसके बाद अक्षय को पत्नी ट्विंकल से माफी मांगनी पड़ी। दरअसल अक्षय ने फिल्म पैडमैन के 2 साल पूरे होने के अवसर पर एक ट्वीट किया। अक्षय ने ट्वीट कर लिखा, फिल्म पैडमैन को 2 साल पूरे हो चुके हैं और मुझे खुशी है कि हम एक ऐसे मुद्दे को उठाने में कामयाब रहे हैं। इस हैशटैग मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पर मुझे उम्मीद है कि हम गरीबी को समाप्त करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएंगे और मानसिक धर्म की वर्जनाओं को तोड़ पाएंगे। इस ट्वीट में अक्षय ने पैडमैन की एक्ट्रेस सोनम कपूर और राधिका आप्टे को टैग किया, लेकिन वो फिल्म की प्रोड्यूसर ट्विंकल खन्ना को टैग करना भूल गए। फिर क्या था, ट्विंकल ये देखकर नाराज हो गईं और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की। ट्विंकल खन्ना ने अक्षय के ट्वीट को रीट्वीट कर लिखा, अक्षय कुमार तुम पक्का मेरे अगले प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं होगे। हालांकि उन्होंने ऐसा मजाकिया अंदाज में कहा था। इसके बाद अक्षय कुमार ने ट्विंकल से माफी मांगते हुए लिखा, प्लीज मेरे पेट पर लात मत मारो, टीम को टैग करना भूल गया। मैं अपनी प्रोड्यूसर डायरेक्टर आर बाल्की और जिनके बिना फिल्म नहीं बन पाती उनसे इस गलती के लिए माफी मांगता हूं। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस की जंग में अक्षय कुमार ने पीएम केयर्स फंड में 25 करोड़ की राशि दान की थी। अक्षय के इस कदम की सोशल मीडिया पर काफी सराहना भी हुई थी। इसके अलावा भी खिलाड़ी कुमार इस बुरे दौर में कोरोना वॉरियर्स की भी मदद कर चुके हैं।